बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और राम फिर लौटेगा ये स्पेशल एडिशन अपनी हाईटेक बस के साथ लेकर हम पहुंच चुके हैं 84 कोसी परिक्रमा के सातवें पड़ाव पर। और सातवां पड़ाव सीता कुंड है। इस जगह की बहुत ज्यादा मान्यता है और मान्यता ये भी कहती है कि भगवान श्री राम ने इसी पौराणिक स्थल पर एक रात्रि विश्राम किया था और माता सीता के लिए तुला दान भी किया था। तो आगे इन तमाम राम भक्तों से कराएंगे आपकी बातचीत, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप सीता कुंड का महत्व जानेंगे, इसकी कहानी जानेंगे और आगे फिर राम भक्तों से होगी चर्चा। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग में जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसा ही एक पवित्र स्थान है राम जन्मभूमि अयोध्या के बीकापुर में मौजूद सीता कुंड। मान्यता है यहाँ आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ वनवास से लौटते समय भगवान श्री राम ने देवों की उपासना की थी। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव आदि के नाम पर 6 कुंडों की स्थापना की गई थी। आज टीवी 9 भारतवर्ष की हाईटेक बस इसी ऐतिहासिक स्थल पर पहुंची है जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सातवां पड़ाव है। सीता कुंड को लेकर आपने ये रिपोर्ट देखी और हमने दिखाने की कोशिश की 21 जगह का महत्व तो कितना ज्यादा है। 84 कोसी परिक्रमा के 275 किलोमीटर के रूट पर हम कहां पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया के राम भक्तों को कैसे करवा रहे हैं हम 84 कोसी की यात्रा। तो यात्रा में आगे बढ़ेंगे, राम भक्तों से बात करवाएंगे, लेकिन इस जगह के जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, ऐसे तमाम लोगों से पहले मुलाकात बातचीत ताकि इस जगह का महत्व तो समझिए और उसके बाद इन राम भक्तों से होगी विस्तृत चर्चा। सबसे पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए कि इस जगह का महत्व, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। सुना ये भी है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था, माता सीता के लिए यहाँ पर तुला दान किया गया था और उसी के बाद इस जगह का नाम सीता कुंड पड़ा। क्या कहानी है, क्या मान्यता है, कितना पौराणिक स्थल है ये? बहुत पौराणिक स्थल है। अयोध्या का सातवां विश्राम स्थल है। यहाँ पर भगवान राम आए थे, उन्होंने यहाँ पर सीता जी का तुला दान किया। तुला दान करने के बाद में इस स्थान का महत्व बहुत ही बढ़ गया। इसी स्थान पर सागर के दक्षिणी तरफ पर भगवान दुग्धेश्वर महादेव का स्थान है जो त्रेता युग स्कंद पुराण में वर्णन जिसका मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं जो इस राम मंदिर के बनने पर, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ इसकी टाइमिंग को लेकर, कुछ इसके राजनीतिक फायदे को लेकर, और जेडीयू के एक नेता का ताजा बयान आया है और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन का इनविटेशन ऐसा बांटा जा रहा है जैसे किसी के यहाँ श्राद्ध का कार्ड बांटा जाता है। ये बयान कितना खराब, कितना गलत समझते हैं ये बताएं। और निंदा की जाती है ऐसे व्यक्तियों की, राजनीतिक करियर खत्म कर देना चाहिए हिंदुस्तान से, ऐसे व्यक्ति राजनीति करने के लायक नहीं हमारे हिंदुस्तान में। दलों को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए आपको लगता है? ऐसे ऐसे नेताओं की सदस्यता समाप्त करके इनको राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग जानते हैं क्या? जानते हैं, सनातन को लेकर बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप लोग, हाँ भैया क्या कह रहे हैं? गलत काम करते हैं, उनकी इनकी सदस्यता रद्द कर देना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसी बात करते हैं, हमारे राम के ऊपर बात करते हैं। आपको लग रहा है कि इस देश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इनका जो हाल हो रहा है, सत्ता से बाहर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, इनके नेता विरोध करते हैं और ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, क्या ये एक बड़ी वजह है? सनातन का जो विरोध करेगा उसका पूरी दुनिया विरोध करेगी। आप लोग विरोध में है या साथ में है? विरोध में है या साथ में है? विरोध में है या साथ में है? क्या कहेंगे? बिल्कुल उसके विरोध में है। जो राम को बुरा कहेगा उससे बुरा हम है, उसके लिए बुरे हैं। हाँ। तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? वोट की ताकत से जवाब? वोट से, वोट से, वोट से। कैसे जवाब देंगे? कैसे जवाब देंगे? वोट देकर। 24 में मन बना लिया है आप लोगों ने? पक्का एकदम। अच्छा, मन किसको देखकर बनाया आप लोगों ने?
राम मंदिर को बनता हुआ देखकर या इन बयानों के विरोध में? कैसे भाई राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में आप लोगों को उत्सुकता है राम मंदिर की कि नहीं? उत्सुकता हाँ बिल्कुल 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 एकदम एकदम। हम उसी के रहवासी हैं, हमारे यहाँ के भगवान राम हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हम उनके प्रति और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में कोई नेता उल्टा सीधा गलत उलूल जुलूल बयान देता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती आप लोगों को? होती है होती है। लेकिन जैसा दिव्य और भव्य स्वरूप आप लोग मंदिर का देख रहे हैं, क्या ऐसी किसी ने कल्पना की थी इससे पहले कि अगर भगवान राम लौटेंगे 500 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर क्या बनेगा? आप लोगों ने सोचा था क्या? आप लोगों ने सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे हम लोग। ये हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कि हम लोग अपने सामने ये मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं और इसमें जो है हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हम 2024 में ये चाहेंगे कि फिर से मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। तो सिर्फ क्या राम मंदिर के नाम पर आप सरकार रिपीट करना चाहते हैं? मंदिर ही मुद्दा, राम मंदिर, राम मंदिर, विकास चिल्ला रहा है, सनातन धर्म वालों को दिखाई दे रहा है, सबको राशन, सबको बिजली, सबको पानी, क्या नहीं है हिंदुस्तान में? अगर सनातन धर्म में रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस दिन राम अयोध्या आ गए हैं प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद हम लोगों को पूरा आनंद ही आनंद है। आनंद आ रहा है कि नहीं अवध वालों को? आनंद आ रहा है कि नहीं अवध वालों को? आनंद आ रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बस एक लाइन, जय श्री राम, एक लाइन की बात, बस कुछ और नहीं चाहिए? जो राम नहीं चाहिए नहीं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ राम मंदिर से क्या विकास हो जाएगा? स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए, क्या वो सब कुछ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में कि नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और मोदी जी योगी जी सबसे अच्छे नेता हैं और कोई नेता अच्छा नहीं है। ये सब मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, हम लोग अच्छी तरह उसी के पीछे तो हम लोग लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी मोदी और योगी की सरकार बने 2024 में। 2024 में डबल इंजन की सरकार भरपूर काम कर रही है, धर्म संगत काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ की योगी सरकार और मोदी सरकार, इसके रहते पूरे भारत में जितना विकास हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। ये भाजपा की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी हद तक मुमकिन है, मोदी हद तक मुमकिन है। जय राम, जय श्री राम। कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये राम मंदिर का इसीलिए मुमकिन हो पाया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, डबल इंजन की सरकार थी, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री थे, क्या इसीलिए संभव हो पाया? जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई और होता तो क्या होता? नहीं बनता, कुछ नहीं होता, बनता तो ऐसा नहीं बनता या नहीं बन पाता? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। मुलायम सिंह यादव ये राम मंदिर के विरोध में बोल रहे थे, ये हमारे मंदिर को बनने से रोक रहे थे। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये मानते हैं कि ये तमाम दल, ये अमुक दल नहीं चाहते थे कि मंदिर बने? क्या समाजवादी पार्टी चाहती थी कि राम मंदिर बने? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए जरा, एक लाइन से जरा, क्या समाजवादी पार्टी चाहती थी कि राम मंदिर बने? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। हाँ, नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी। क्या कांग्रेस चाहती थी कि मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बने? हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ। ना कांग्रेस चाहती थी मंदिर बने, ना सपा चाहती थी, ना बसपा चाहती थी। भाजपा सरकार आई तब से हम लोगों का जो है राम राज हुआ और रहेगा, जब तक योगी मोदी है लोग बताते हैं मंदिर से क्या होगा। मंदिर केवल बन रहा है, सड़क बन रही है, बिजली बन रहा है, पानी बन रहा है, सबको राशन मिल रहा है, सबकी लैट्रिन बनी हुई है, मकान मिल रहा है जिसको नहीं है, और क्या चाहिए? मंदिर के साथ साथ सबको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब हो रहा है, सब। ऐसा तो नहीं मंदिर का लॉलीपॉप थमा दिया और बाकी विकास नगण्य कर दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात अंतर्राष्ट्रीय बस हवाई अड्डा बना, उसके बाद सब जगह रेलवे स्टेशन बन रहा है, सब जगह डबल लाइन हो गई, उसमें बताइए अब गवर्नमेंट में माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी 101% सड़क पर काम किए हैं और आज ये पूरे जो है जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा, जितना हाईवे का निर्माण हुआ है, जितना राष्ट्रीय राज बढ़िया हो रहा है सरकार में कि नहीं हो रहा है?
थोड़ा दिखाइए जरा सबके चेहरे को, काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है सरकार में? अब आप मुझे ये बताइए कि अशोक चौधरी हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी राम का मंदिर बनवा तो रही है लेकिन लोगों को गुमराह कर रही है, क्या आप लोग गुमराह हैं? क्या बीजेपी ने क्या गुमराह किया आप लोगों को? आप लोगों को गुमराह किया? कोई नहीं है ना, गुमराह नहीं है, गुमराह नहीं है, नहीं है। क्या तय किया आप लोगों ने? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे कि नहीं बना रहे? नहीं, मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को। भैया ऐसा क्या करते हैं? वो राम मंदिर बनवा रहे हैं जी, विकास कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, शौचालय और उज्ज्वला गैस और राशन कार्ड कॉलोनी सब कुछ मिल रही है हम लोग को जी। लेकिन जिस जमीन पर आप लोग उत्साहित है कि मंदिर बन रहा है, इस जमीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं क्या आप लोग? जानते हैं? हाथ उठाकर बताइए जरा, जानते हैं क्या? जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जमीन पर बेशक राम मंदिर बन रहा हो लेकिन इस जमीन पर पहला अधिकार हमारा था, हमारी जमीन पर बन रहा है। कोई जवाब देना चाहेगा उनको? जमीन किसकी थी? राम की थी और उन्हीं की रहेगी हमेशा। जब पहले राम जी आए, राम जी थे, राम जी है, राम जी रहेंगे। पहले राम जी है कि पहले बाबर है? पहले राम आए या पहले आए हैं? पहले राम आए हैं। पहले राम आए कि पहले बाबर आए? राम। क्या बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है? जरा आप लोग बताइए, बताइए। विकास भी कर रहा है बीजेपी जी। मोदी जी सबका साथ, सबका विश्वास कर रहे हैं और सबका, सबको समान भेदभाव से कुछ नहीं कर रहे हैं, सबका, सबको एक साथ समान देख रहे हैं। समान देख रहे हैं। हम कहे वो जो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो धर्म को जगा रहे हैं, हिंदुत्व को जगा रहे हैं रामचंद्र भगवान का मंदिर बनवाने से। उन्हें कोई राजनीतिक जातिवादी कोई राजनीति नहीं हो रही है, वो सबका साथ सबका विकास के नाम पर राज कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है। दो जगह तो कायाकल्प हो गया, अयोध्या और काशी, लोग नारा भी लगाते हैं मथुरा बाकी, तो अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए मथुरा की नहीं करना चाहिए? भाई अगर वो सनातन के साथ है, अगर हिंदू धर्म के साथ है, अगर वो यदुवंशी हैं, तो भगवान कृष्ण का उद्धार किसको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? भगवान कृष्ण की जमीन का उद्धार किसको करना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए किसको करना चाहिए? अखिलेश यादव किसको करना चाहिए? अखिलेश किसको करना चाहिए? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से क्या कहेंगे आप लोग? किसी का काम नहीं करेंगे, वो हमेशा राजनीति करते हैं यादवों के ऊपर। और जो कृष्ण भगवान यादव थे, उनकी जन्मभूमि इतना दिन सरकार रहने के बाद भी वो नहीं बनवा पाए, तो वो कभी नहीं बनवा पाएंगे, वो हर जगह खाली विरोध ही विरोध करेंगे। आप कुछ बात करते, आप बताइए। मोदी योगी फिर बनवाएंगे, मोदी योगी यही बनवाएंगे, अयोध्या भी यही बनवाएंगे, काशी भी यही बनवाएंगे और मथुरा बनवाएंगे। जय श्री राम। उन्हीं बनवाएंगे से बोलिए। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम ही व्यापा, सब नर कर ही पर सुपर प्रीति, और चल ही सो धर्म अल्प सुख नीति। तो अच्छा, एक बात बहुत तेजी से उठ रही है और कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, आप लोग जानते हैं क्या दिग्विजय सिंह को? हाथ उठाकर बताइए, कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी ने कौन सा अजूबा काम ऐसा कर दिया, ये बताइए। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले हम, यानी राजीव गांधी, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हम, और अब हमारी बोई हुई फसल को काट रही है बीजेपी, क्या ऐसा आप लोग भी मानते हैं? नहीं मानते हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों नहीं काट लिए? उनको कोई मना किया था क्या? कोई हिंदू जाके उनसे कहा था कि आप इस मंदिर मत बनवाइए यहाँ? कोई मना किया था? अब आज जब बन गया मंदिर तो राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले लोग कर रहे हैं मंदिर के नाम पे। वो कह रहे हैं श्रेय हमको मिलना चाहिए ना भाई। हमारा प्रधानमंत्री ताला खुलवाया, हमारे प्रधानमंत्री ने पूजा शुरू करवाई, हमारे प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो श्रेय कांग्रेस को 50% क्यों नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने तो बार बार ये वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मंदिर बनना नहीं चाहिए, इसकी सुनवाई भी टाल दिया जाए। राम का अस्तित्व ही नहीं बता रहे थे, राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया, बयान हल्फी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कांग्रेस सरकार की भगवान राम के प्रति आस्था है ही नहीं है, वो मंदिर क्या बनवाएंगे?
मंदिर नहीं बनवा पाए। राम को काल्पनिक बता दिया तो उनसे क्या उम्मीद किया जाए राम मंदिर बनवाने की? किसने बताया काल्पनिक? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने बताया था जी कि राम सिर्फ कल्पना मात्र है। जी जी, राम एग्जिस्ट नहीं करते। ना ना ना, तो फिर वो मंदिर बनाने की उम्मीद उनसे कैसे किया जाए? अच्छा एक बात और समझाइए जरा, जब आप लोग किसी राजनीतिक दल से सुनते हैं कि राम काल्पनिक है, राम मंदिर का फैसला इसलिए 2019 में ना आए क्योंकि राजनीतिक फायदा लिया जा सकता है, तो दुख होता है कि नहीं आप लोगों को? होता है, दुख होता है भैया, दुख होता है, दुख होता है। उन पार्टियों को फिर जवाब आप लोग कैसे देते हैं चुनाव में? भाई वोट से, वोट 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 से वोट देंगे, वोट देकर। किसको वोट दे रहे हैं? भाजपा को, बीजेपी को। क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया? ऐसा विकास किया उसने, बहुत भारी विकास किया है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या ऐसा होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता और बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती फर्ज करिए, तो भी क्या ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनता या नहीं बनता? बनता? कभी नहीं बनता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं। वो केस को फिर आगे बढ़ा देते, वो बनता नहीं मंदिर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर नहीं बनता, भव्य नहीं, भव्य मंदिर नहीं बनता। जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो नहीं बनता वो। आप लोग को ऐसा लगता है भाई? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कोलेशन था 2004 से लेकर 2014 के बीच में, अगर वो सरकार होती मान लीजिए तो क्या ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी नीयत ही नहीं थी मंदिर बनाने की। 22 तारीख बहुत नजदीक है, लेकिन भाजपा सरकार में केंद्र में मंत्री है गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है लोगों को डराने की, लोगों को धमकाने की और मंदिर के उद्घाटन से पहले दंगा कराने की। आप लोग को ऐसा लगता है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है? श्री राम की नगरी है, भगवान की। आप लेकिन कुछ लोग तो साजिश रच रहे हैं ना? साजिश फेल हो जाएगी, एक बार ऐसे और साजिश हुआ था, बंदर ने उठा के फेंक दिया था, एक बार और साजिश हुई है, बंदर ने उठा के फेंक दिया था, यहाँ साजिश नहीं चली, ये नगरी भगवान की है। मंदिर देखिए बनना शुरू हो चुका है, 22 तारीख को उद्घाटन है, इस उद्घाटन में बहुत सारे लोगों को इनविटेशन जा रहा है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इनविटेशन नहीं मिला है। तो ये बताइए मेरे सवाल पूछने से पहले, नहीं मिलना चाहिए उनको, इसलिए नहीं मिलना चाहिए जब उनकी सरकार तू बनवाए नहीं तो वो विरोध करते हैं उसको, आप निमंत्रण देते राम भक्त का उद्धार हो रहा है तो 1992 में गोली चलवाया था उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, हमारा भी पैर में गोली लगी थी प्लास्टिक वाली। राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती, इनको इनविटेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए जरा बताइए? विरोध करने वाला जो राम का विरोध करे उसको इनविटेशन कहाँ से मिलेगी? जी 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 जी, बिल्कुल सही है। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, ये मंदिर विरोधी इनको इनविटेशन नहीं मिलना चाहिए सर। ये विरोधी पार्टियां हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। विरोधियों को बिल्कुल निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के अलावा जो सपा है चाहे कांग्रेस है, इन्होंने लगातार विरोध किया है, चाहे न्यायालय में किया है, आज अभी मौका मिल जाएगा उनको तो सार्वजनिक रूप से विरोध करना शुरू कर देंगे। लेकिन सरकार इतनी सख्त है, कोई भी खड़ियन की जो बात आ रही कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार सख्त है, कुछ कर नहीं पाएंगे। भगवान प्रभु हनुमान जी की कृपा होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या 2024 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी भैया, बनेगी भैया। उसका श्रेय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल पूरी तरह। राम जन्मभूमि मुद्दे पे बीजेपी जीत रही है। अच्छा बीजेपी को क्या इसका फायदा मिलेगा? राम जिस तरह से लौट रहे हैं, क्या भगवान श्री राम के लौटने से बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी? जी जी, 100% बरकरार, बिल्कुल बरकरार, बिल्कुल बरकरार, बिल्कुल बरकरार रहेगी, बिल्कुल बरकरार रहेगी, पूरा बिल्कुल बरकरार बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी, बढ़ चढ़ के आएगी, बढ़ चढ़ के आएगी, बढ़ चढ़ के। 4.5 कहां बन गई है? जीत गई है। कौन बन गई है? मोती, मोती बन गई है आपके, फिर से पीएम बन गई है। हां बन गई है, बनेंगे, पूरा भरोसा बनेगा। बीजेपी की सरकार बनेगी, बाकी कई दल खत्म हो जाएंगे आपकी। तो देखिए 84 कोसी परिक्रमा के सीता कुंड में जनता का माहौल ये है, राम भक्तों का उत्साह ये है, और ये उत्साह बता रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है देश में, और फिलहाल राम अयोध्या में लौट रहे हैं और उसका उत्साह पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज सीता कुंड से 84 कोसी परिक्रमा के इस रूट पर राम फिर लौटे के स्पेशल एडिशन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे किसी और जगह, किसी और ठिकाने पर, किसी और पड़ाव पर, और होगी राम भक्तों से बातचीत।